दाल में सन धुनधुनाहट हो गया। चप्पल लेके आई पर एक ये है जो मैंने पहनी हुई है, ये तो ठीक है पर ये यहाँ पे गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं भैया। अभी मेरी सुबह हुई है, आपसे मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी मैंने ऐसा सोचा हुआ है, पर ऐसा बोल के मैं खुद ही भूल जाती हूँ। अच्छी धूप आई हुई है, धूप काफी ज्यादा हो गई है, और पहले तो बारिश थी, बारिश रहती थी, पर अब इतनी धूप निकली थी कि फैन ऑन करना पड़ता है। मैं तो रात को फैन ऑन करके सोई थी। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने कल पूरा दिन बैठ के बनाई हुई है, और आप विश्वास नहीं करोगे कि कितनी अच्छी चीज बनी हुई है। तो अभी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने न्यूज़पेपर का बनाया हुआ है, और ये जो है ये मेरी फ्रेंड ने दिया हुआ था, मेरे को रखा हुआ है ऐसे सो पीस के लिए। और पूरा आप इसको देख सकते हैं, मतलब थोड़ा पेंट किया हुआ मैंने, जैसे छत पे हो गया, इस साइड हो गया और पिछले साइड। तो ये मैंने पूरा खुद न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है, एक एक न्यूज़पेपर रोल करके, और इतनी मेहनत लगी ना, मैं पूरा दिन 1 बजे बैठी थी मैं कल दिन में, और मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ, बट वो ऐसा कि ध्यान ही नहीं रहा उस तरफ, और मैं अपनी बनाने में लगी हुई हूँ। बनने के बाद अब बता रही मैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने बनाए, और बिल्कुल भी विश्वास, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखिए आप लोग, तो मैंने मतलब ऐसा शॉट लिया था ना इसका, ऐसा लग रहा था कि ड्रोन से लिया हुआ पूरा शॉट, पर मैं वो भी डालूंगी। तो अभी मेरे को मम्मी बुला रही है, तो चलते हैं देखते हैं खाने में क्या बना हुआ है आज। वैसे मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी, मतलब थोड़ी देर क्या, काफी देर हो गई है मेरे को उठे हुए, अभी तो टाइम 9 बज रहे हैं। एक पल तुझसे जुड़ा था। तो ये हमारा पूजा घर है जिसमें आरती हो चुकी है, हम लेट उठे तो क्या आरती भी ना हो, और यहाँ से हमारी कुलदेवी नजर आती है बिल्कुल सामने, पर पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पिछली साइड जो है हमारी कुलदेवी नजर आती है। कल पता क्या हुआ, कल मैं झाड़ू लगा रही थी और मैंने चिंटू को बोला, मैं कहा चिंटू पैर उठा, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, चिंटू ने यहाँ से पैर उठाया ऊपर, मैं खुद इतनी सोच में पड़ी रही, मतलब मैं मम्मी को बार बार वही सुना रही, मम्मी मैंने चिंटू को बोला पैर उठाने का, चिंटू ने पैर उठाया। हमारी फसल जो है सारी मतलब पकने वाली है, और इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि क्या काम होगा हमारा, फसल काटने का काम। तो इस साइड जो अभी हरी हरी है, पर उस साइड बीच में पकी हुई है, और परली साइड आप पूरे खेतों में देख सकते हैं लोगों के, इतनी ज्यादा नहीं है, सभी हरी हरी है, पर हमारे खेत में अभी थोड़ी पकी हुई है, पूरे नीचे तक हरी फसल ही नजर आती है, बस हमारे खेत में है थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बीच जैसे में जो कि अभी पक रहा है, और इस साइड जो अभी कच्ची फसल है, ये मम्मी ने मनी प्लांट लगाया हुआ था, सो अब ये लग रहा है। और इसके अलावा ये एक फ्लावर लेके आए थे मम्मी जिस दिन हम कंटीन गए थे वहां से, तो इसमें कांटे हैं हल्के हल्के, आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था भाई, कांटे वाली चीजें अपने घर से थोड़े दूर लगानी चाहिए, क्योंकि उनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, ऐसा सुना था मैंने, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग बोलोगे कि जो फ्लावर होता है जैसे कि गुलाब का फूल लगे उसमें भी तो कांटे होते हैं, पर उसमें कांटे होते जरूर हैं, पर उसको भगवान पे चढ़ाते हैं, पता है आजकल ऐसी ऐसी स्टोरी सुनती हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो रहा है इन चीज़ों के बारे में। मैंने एक फ्लावर ये लगाया हुआ था, तो इसमें फूल आएगा ना तब देखना, इसमें थोड़े छोटे छोटे फूल खिलते हैं, और ये जो है इससे मेहंदी बनती है ऐसा सुनने में आता है। और ये मनी प्लांट लगाया हुआ है जो कि यहाँ से जाएगा और ऊपर, तो मनी प्लांट लगेगा यहाँ पे, पत्ते खिलेंगे तभी होगा इसका फायदा। क्या चीजें लेके बैठ गई है ये, और क्या क्या कुछ बता रही है हमें, तो घर का ब्लॉग बनाएंगे तो यही होगा दोस्तों। वैसे आज मैंने धर्मशाला जाना था पापा के साथ, और इन्होंने मेरे को उठाया नहीं, पापा चले गए 2 बजे। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और बॉर्नविटा आप लोग देख सकते हैं इतना बचा हुआ है, मैं आजकल खाती नहीं हूँ, तो चाय के साथ बॉर्नविटा कौन खाता होगा, मैं ही खाती हूँ दूध वाली चाय। तो खाना पीना हो गया सब, और अब मम्मी चले गए घास लाने के लिए, मैं घर पे अकेला हूँ। उसके बाद फिर आज हमें बैंक जाना है, ओ ये रहा फॉर्म जो कि अभी भरना पड़ेगा मेरे को, तो तब तक इसको भरते हैं, तो मिलती हूँ मैं तब आप लोगों से जाते टाइम।
2 hours later. प्यार होने में कितना समय लगता है ये लड़कियों से पूछना कभी. ये है एक सबसे फास्ट हेयर स्टाइल. बाल सेट करने के लिए हम लगाएंगे इसमें एलोवेरा जेल. लेट हो रहे हैं, मम्मी मुझे डांटेगी. ये रही मेरी आज की आउटफिट. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके साथ कैप डालूंगी. इसके साथ मैंने डाले पिंक शूज, ब्लैक डालने चाहिए थे ज्यादा अच्छे लगते, और म्याऊ वाला बैग. चलते हैं तो, है ना. मम्मी पहले चले गए हैं बाहर और मैं सबसे लेट चलती हूँ, आप लोगों को पता ही है. तो दोस्तों हम आए सरकारी बस में HRTC में. तो यहाँ है नया बैंक, मतलब हम दूसरी जगह जा रहे हैं आज. तो बैंक में इतनी शांति होती है, इतनी तो किसी स्कूल में नहीं होती शांति इतनी इन बैंकों में होती है. तो हमारा काम जो ऑलमोस्ट डन हो चुका था. यहाँ पे मम्मी गोलगप्पे लगे हुए हैं खाने. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कितनी ज्यादा धूप है यार, बोलना तो मन नहीं है मेरा. खाओ तुम गोलगप्पे, टेस्ट करके देख लेते हैं क्या जाता है टेस्ट करने. बाद आए थे हम यहाँ पे सूट देखने के लिए. तो सूट तो काफी ज्यादा थे, पसंद आने पे डिपेंड होता है. और लेडीज को वैसे भी सूट पसंद नहीं आता, खासकर मेरी मम्मी को. तो मेरे को सूट वो कलर लेना था, ये जो ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये वाला. निकलेंगे यहाँ से यार, बहुत धूप है, मन नहीं है मेरा आने का. आगे हम तो जाते जाते हमें एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ही अच्छा सामान लगा हुआ था. तो यहाँ से हमने टोकरी वगैरह ले ली, क्योंकि टोकरी जो टूट गई थी हमारी. और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत अच्छी अच्छी थी. तो यहाँ पे हमने चप्पल भी खरीदी और थोड़ा और सामान खरीदा घर के लिए. धूप देखो कितनी ज्यादा धूप है, किसी का दूध गिर गया यहाँ पे. यहाँ पे गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं भैया यहाँ पे. मम्मी का तो दिल नहीं भर रहा, नहीं मैं गोलगप्पे खाऊंगा सिर्फ. 2:35 हो गए हैं, यहाँ खड़े खड़े हमें बस ही नहीं मिल रही. ये है हमारा यहाँ का हॉस्पिटल. सामने देख रहे हैं ये हमारा यहाँ का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, और मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है. और यहाँ पे हमारे खेत भी हैं, ये जो आप नीचे खेत देख रहे हैं यहाँ पे खेत भी हैं हमारे. और ये हमारा दूसरा घर है, और देख रहे हैं हमारी गाड़ी लगी हुई है सामने, वहाँ पे ट्रैक्टर भी. तो अभी लेके आई हूँ मैं अपनी मलाई कुल्फी. हम पहुँच चुके हैं घर, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से दोबारा. तो पहले मेरे कमरे में देखो कितनी सारी धूप आई हुई है. गर्मियों के दिनों में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पे. दाल में सन 3 जोड़ा चप्पल लेके आई, पर एक ये है जो मैंने पहनी हुई है, ये तो ठीक है पर ये लूज है थोड़ी सी, तो ये मम्मी की है. और ये अपने लिए लेके आई थी मैं ये वाली, पर इसका क्या सीन हो रहा है ये देखो, पैर में तो गुजरी है ना. एक नंबर छोटा है, 5 नंबर नहीं 4 नंबर है ये. वो देखो कितना बार है. और मैंने उस टाइम पहन के नहीं देखी, क्योंकि मैं जूता लेके गई थी ना, तो मैंने जूते खोले नहीं वहां पे. और अभी ये छोटी हो रही है, काइट वो 4 नंबर है. तो गाइस ये चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई थी, ये हैंगर जैसे है, मतलब कि इसको निकाल के लगाना पड़ता है. तो चलो इसको ट्राई करते हैं. वैसे कौन से लगाऊं, ये वाले लगाती हूँ किचन में, एक डबल साइड टेप लगाई हुई है इन्होंने. मेरे को लगता है ज्यादा दिन चल पाएंगे ये, वैसे देखने के लिए अच्छे हैं. तो ये देखिए गाइज, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, पर ये मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम चल पाएगा. तो ओल्ड सॉन्ग किस किस को पसंद होते हैं.
गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, उसको देख के आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो चीज मैंने बनाई हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक घर बनाया हुआ है और इसके पूरी लुक आप लोग देख सकते हैं।